अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने जुडिशियल कमीशन का इजलास 14 अक्टूबर को तलब कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने जुडिशियल कमीशन का इजलास 14 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने जुडिशियल कमीशन का इजलास 14 अक्टूबर को तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने जो है वो 14 अक्टूबर को जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और जुडिशियल कमीशन के इजलास में हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने के हवाले से गौर किया जाएगा। जिन जजेस के मुस्तकिल करने पर गौर किया जाएगा, इनमें जस्टिस खालिद महमूद मलक है, जस्टिस मसूद अबद नकवी हैं, जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद हैं और जस्टिस चौधरी इकबाल हैं। ये जजेस जैसे 7 नवंबर 2014 को लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की हैसियत से तैनात हुए थे और एक साल बाद इनकी जो डहाक मुदत है उसमें तस्वीर कर दी गई थी और ये तस्वीर जो है वो 7 अक्टूबर को खत्म हो रही है, जिसपे इनका जुडिशियल कमीशन ने इनके मुस्तकली का फैसला करने के हवाले से इजलास तलब किया है। और इस इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, सीनियर 3 जज जस्टिस शाह मीर डार समेत जो है वो दीगर जुडिशियल कमीशन के मेंबरान भी शिरकत करेंगे, जिसमें वफाकी वजीर कानून भी हैं, सूबाई वजीर कानून है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है और दीगर मेंबरान भी इसमें शामिल हैं। इन जजेस जो 4 जजेस हैं, इनकी 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पहले ही जुडिशियल कमीशन को भिजवाई जा चुकी है। इन्होंने कितने फैसले किए हैं, जेर इल्तवा कितने हैं और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो जुडिशियल कमीशन को भिजवाई जा चुकी है। तमाम इनके मुस्तकिल करने के हवाले से जो सिफारिश या रिकमेंडेशन हैं वो जुडिशियल कमीशन के इजलास में की जाएंगी और इसका फैसला किया जाएगा कि इन्हें इनकी मदद तस्वीर करनी है, इनको मुस्तकिल करना है या प्योर फैसला करना है। इस हवाले से हतमी जो है मंजूरी वो जुडिशियल कमीशन के 14 अक्टूबर के जुडिशियल कमीशन इजलास में होगी। ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।